संतों ने उपदेशों के माध्यम से समझाया, बहुत से संतों ने उनको सामने साक्षात करके दिखाया कि तुम्हारे मन में ये विचार चल रहा है, वो विचार चल रहा है, तुम यहाँ नहीं हो। नानक जी ने भी एक को दिखाया कि तुम तो अपने अस्तबल में लगे हुए हो, घोड़ों की चिंता हुई हुई है। और भी बहुत महात्मा थे जिन्होंने ये बताया कि तुम साधना में नहीं थे, आज तुम तो बैलों को बछड़ों को देख रहे थे, इनका क्या करना है। इस प्रकार से हमारे संतों ने दर्शाया कि आप मन से अगर साधना नहीं कर रहे, केवल शरीर को टिकाए हुए हो, ध्यान को नहीं टिकाए हुए, तो आपकी साधना निरंतर चल नहीं रही है। इस मन को जब आप काबू में कर लोगे, इसको कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, आत्म निरीक्षण का प्रयास होगा, तो समझना आपकी साधना चल रही है। लेकिन हम ये साधना के चक्कर में कम पड़ते हैं, बाहरी कर्मकांडों में ज़्यादा पड़ते हैं। बाहरी कर्मकांडों से मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने पिछली बार भी बताया था, बहुत लोगों को ये विचार उत्पन्न हुआ, बहुतों ने मेरे से सवाल भी किया कि आपने बोल दिया कृष्ण को प्राप्त करके भी जीवन मुक्त नहीं हो सकते, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि कृष्ण को प्राप्त करने के बाद भी जीवन मुक्त इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो उस परम सत्ता में से निकल करके आए हैं, उस ताकत में से निकल करके आए हैं, वो सीमित कलाएं ले करके आए हैं, वो उस पूर्ण परमेश्वर में से निकल करके आए हैं। जब तक कृष्ण हाथ बढ़ करके उस पूर्ण परमपिता परमेश्वर तक नहीं ले करके जाएंगे, तब तक आपका जीवन मुक्त नहीं हो सकते। वो लोग तक पहुंच सकते हो, और लोगों तक भी पहुंच सकते हो, अनंत अनंत सुख की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो सकते जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। इस संसार के अंदर बहुत से लोग, कुछ लोग आत्मज्ञानी लिखते हैं, कुछ लोग तत्वज्ञानी लिखते हैं, कुछ लोग ब्रह्मज्ञानी लिखते हैं। इन्हीं शब्दों के अंदर आप तोलते रहते हो, इन शब्दों का अर्थ मालूम नहीं पड़ता कि तत्व ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्म ज्ञान क्या है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्या चक्कर है। हम ब्रह्म ज्ञानी को कभी श्रेष्ठ मानते हैं, कभी तत्व ज्ञानी को श्रेष्ठ मानते हैं, आत्म ज्ञानी को थोड़ा ये समझते हैं कि नहीं, इसको तो केवल आत्मा का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञानी लिख रखा है तो ये ब्रह्म का ज्ञान हो गया। जब ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो ये ऊंची स्थिति में है, ये और ऊंचे हैं, और बड़े हैं। लेकिन शब्दों का अर्थ न जानते हुए, इस ब्रह्मांड के रहस्य को न जानते हुए, संतों की चाल को न जानते हुए, उनके शब्दों को न पहचानते हुए, मर्म जाने बिना हम सोच विचार में स्वयं वही जो मैंने बोला निरीक्षण में लगे हुए हैं, लेकिन इन शब्दों के रहस्य को बहुत कम लोग जान पाते हैं। जो ज्ञान होता है, जो तत्व ज्ञान होता है, जो बोलते हैं तत्वदर्शी संत के पास होता है, तत्वदर्शी का अर्थ होता है, तत्व ज्ञान का ये अर्थ होता है, मतलब होता है कि जिन्होंने इस संसार के जितने भी तत्व हैं, जितनी भी प्रकृति है, जितना भी आप इन नेत्रों से देख रहे हैं, जितना भी आप दसों इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हैं, सबकी सब वस्तुओं का, तत्वों का ज्ञान हो गया। उन्होंने उनको जान लिया, उसके रहस्य को समझ लिया कि कौन सा तत्व किस वस्तु को पैदा करता है, किस वस्तु को मिटाता है। उसका जिसको रहस्य का पता चल गया, उसको तत्व ज्ञानी कहते हैं। और जो ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है, इस संसार के अंदर जितना भी वर्णन हुआ है, 21 ब्रह्मांडों का वर्णन हुआ है हमारे संतों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, ऋषि महेश ऋषियों के द्वारा, जितने भी जहाँ भी चढ़ाई की बात हुई, 21 ब्रह्मांडों की चढ़ाई का जिक्र आता है। तो जितने 21 ब्रह्मांडों का जो खेल होता है, जिसने ब्रह्मांडों को जान लिया, जिसके ब्रह्मांड का रहस्य जिसके सामने खुल गया, किस ब्रह्मांड का कौन राजा है, कैसी प्रजा है, क्या सुख सुविधाएं हैं, कैसी वहां पर खेल चलता है, किस प्रकार से राज चलता है, क्या उद्देश्य है,
कैसे सिस्टम है हर चीज के, जिसको जानकारी हो गई कैसी प्रकृति है, वायु से जीव चलते हैं, भूमि से जीव चलते हैं, सांस से जीव चलते हैं, आकाश से जीव चलते हैं, क्या किस प्रकार से क्या रचनाएं होती हैं, कैसे प्रलय होती है, कितने किस प्रकार से खेल चल रहा है, कितने समय में एक ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, कितने समय में रचना होगी, कब प्रलय होगी, जिसको ये अनुभव हो जाए, ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। किसी को एक ब्रह्मांड की जानकारी है, किसी को दो ब्रह्मांड की जानकारी है, किसी को 5, 10, 15, 20 अलग अलग स्थितियां हैं और उसी के अनुसार उनका ज्ञान होता है और उसी के अनुसार उनके रहस्य खुलते हैं, उसी के अनुसार उनको ब्रह्मज्ञानी की उपाधि दी जाती है, उनके पास ये उपाधि होती है। जिनको ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए। तत्व ज्ञानी जरूरी नहीं जीवन मुक्त हो, कोई जरूरी नहीं है कि जीवन मुक्त हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी भी कोई जरूरी नहीं जीवन मुक्त हो जाए। ये इतने बड़े रहस्य की बातें हैं जो समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल होती हैं। समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हजारों वर्षों से हम उन्हीं शब्दों को रट रट करके पुस्तकों में पढ़ पढ़ करके और जिन्हें ज्ञान नहीं है उन्हें उनसे सुन सुन करके उनका वर्णन देख देख करके ब्रह्म ज्ञान शब्दों को हम खोल नहीं पाए और उनको समझना बड़ा कठिन होगा और ये हृदय स्वीकार नहीं करेगा कि ये सच है या झूठ है। समझाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रीति रिवाज तोड़ना बड़ा मुश्किल कार्य है। वो सदा सदा से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, वो जब तक नहीं टूटेंगे आगे जीव नहीं बढ़ सकता और जब तक ये आगे का रास्ता नहीं खुलेगा, जब तक आप हृदय से ये स्वीकार नहीं करोगे तो आगे नहीं जाया जा सकता। तीसरा होता है, तीसरी श्रेणी का वो होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ होता है आपको अपना ज्ञान हो गया, अपना यानी शरीर का नहीं, अपना यानी आत्मा का ज्ञान कि आत्मा क्या तत्व है, क्या रहस्य है, क्या इसके अंदर ताकत है, कैसे जीवन मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे प्राप्ति होगी, कैसे इसकी खोज होगी, कैसे और किस प्रकार से इसके ऊपर कार्य हुआ है। जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है किसी भी रास्ते से हो कैसे भी हो उसका कोई जोड़ नहीं हो सकता और वही जीवन मुक्त होता है जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, जिसको आत्मा की प्राप्ति हो गई है और जिसने आत्मा की खोज कर ली है, समय की खोज कर ली है, वही जीव जीवन मुक्त हो सकता है, नहीं तो जीव जीवन मुक्त नहीं हो सकता।